हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड फास्ट कुक। आज हम बनाने जा रहे हैं सोया चाप। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ मैंने सोया चाप लिया है जो कि इजीली आपको किसी भी शॉप पर मिल जाएगा। अब वहाँ से इसे शॉप कर सकते हैं। वहाँ से आपको ये कच्चे ही मिलेंगे, आपको घर लाकर इन्हें थोड़ा सा बॉईल करना पड़ेगा, थोड़ी देर तक, ज़्यादा नहीं। हमने यहाँ पर ये ऑलरेडी बॉईल करके रखा हुआ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं, हमने सोया चाप का पेस्ट बनाने के लिए यहाँ कुछ सामग्रियाँ ली हैं। थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची और सरसों के दाने। इन सबको हम मिक्सी में पीस लेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने यहाँ पेस्ट बना लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं, हमने सोया चाप को छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे काट लिया है चाकू से। अब हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ हमने कढ़ाई में तेल डाल के गैस पर चढ़ा दिया है। तेल को थोड़ी देर गर्म होने देते हैं, फिर हम इसमें सोया चाप को फ्राई करेंगे। इसी तरह से हम सभी सोया चाप को फ्राई कर लेंगे। हेलो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सभी सोया चाप को फ्राई कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर ग्रेवी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ी सी तेज पत्ता डालेंगे। ये जो हमने मसाला तैयार किया था, इसे हम फ्राई करेंगे। यहाँ हमने मसाला इसमें डाल दिया है, इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए। ग्रेवी में हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च की पाउडर ऐड करेंगे थोड़ा सा टेस्टी होने के लिए और थोड़ा सा कलर चेंज होने के लिए। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं और फाइनली हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ हम इसे थोड़ा सा टेस्टी होने के लिए थोड़ा सा कस्तूरी मेथी का यूज़ कर रहे हैं। इसे ऐड करना कोई ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ टेस्ट के लिए होता है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप नहीं भी यूज़ कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ हमारा ग्रेवी फ्राई हो चुका था अच्छे से। अब हम इसमें हमने सोया चाप को ऐड कर दिया है। अब इसे थोड़ा देर मिक्स करेंगे अच्छे से। तो जैसा कि यहाँ हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है ग्रेवी के साथ, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं। तो यहाँ हमने इसमें इसकी तरी बना दी है, ग्रेवी में तरी ऐड कर दिया है। अब इसे थोड़ी देर तक हम पकने देते हैं। सो गाइस, यहाँ हमारा सोया चाप पूरी तरह से बनके तैयार हो चुका है। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। सो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा घर पे। थैंक यू।